बोलो सीताराम। देखो भाई जो पढ़े लिखे हैं वो मूर्ख ना बने, क्या ना बने, और पढ़े लिखे लोगों के लिए अद्भुतता का विषय है कि कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख करके कैसे रख सकता कि आप पूछेंगे क्या, और आपकी क्षमता नहीं है, सामर्थ्यता नहीं है कि हम लिख दें तुम पर्चा के बाहर पूछ ले, ऐसा है नहीं। नहीं आज तक हुआ, क्योंकि जिसके सन्यासी बाबा गुरु हों, जिसके बालाजी गुरु हों, भला वहां कौन काट सकता है। हनुमान जी की कलम को कौन काट सकता, कौन काट सकता, कोई नहीं काट सकता। इसलिए आशीर्वाद प्राप्त करना है तो मन में राम नाम का जप करो और अंधविश्वास में ना पड़ो, देखकर विश्वास करो। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, कपोल कल्पना है, कड़िया बागेश्वर दरबार में ठठरी न बार दिए तक आइए। बोलो सीताराम। माइक लो कक्का, कहाँ को आए? चरगो आके। कहाँ पड़ जो? गौर जहां मार सागर जिले में। धाम गए कभी? तीन बार हुआ गुरु जी। नजदीक आओ, हमसे मिले? नहीं मिले। नजदीक आओ, एंगर कड़े या मुरे कौन सींगा लगे नहीं। कि मैं मार आता हूँ। बोलो क्या बात, परेशान रहे सब रहे। क्या हो गया है? और माइक नजदीक करो ताकि सुन सकें। दिमाग ठीक नहीं रहा। आप पढ़े लिखे हैं? आठवीं तक। आठवीं तक हम बोल दें? हाउ नहीं में स्वीकार तो कर सकत। हमने लिखा घर में कलेश बना हुआ है, लगा माइक से हाँ नहीं तो कह दो, लगातार हैरान है, आपके घर में बीमारी बनी, पेट की पीड़ा व सिर की पीड़ा से ग्रसित है, वर्तमान में तुम्हें भी पागल घोषित करोगे, हाँ या ना? 50% पागल घोषित करोगे, घर के यही बात पे हो लड़त है। कन्नू नाम के पितर जिनका नाम कन्नू उर्फ कन्हैया लाल था, ये घूम रहे हैं, यही कारण से तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं रहा था, पगले आजाद छह छह आदमन पे समारे नहीं आउता, ऐसा ही है। कट जे है कन्हैया नाम के पितर धाम पे बंद जे हैं, और तुम्हारो पागलपन आज से ठीक हुई है, जाओ आशीर्वाद। बोले बालाजी सरकार की। माइक से बोलो क्या ये बात सही है? सही है गुरु जी। पहले से बताया तो नहीं? नहीं, हम घर ही होते जा रहे। धाम की पेशी करने एक मंत्र लिखो, जाको जाप करने 11 दिन की अखंड ज्योति हो। दूसरा उपाय सुन लो कान खोल के, दोबारा नहीं बताएंगे। दूसरा उपाय है आपको 4 मंगलवार बालाजी किसी भी स्थान पर, हनुमान जी महाराज को, श्री हनुमान जी को हम बालाजी कहते हैं, किसी भी स्थान पर 4 मंगलवार चोला चढ़वाना है, और जो चोला चढ़वाएं वो शुद्ध सरसों के तेल का चढ़वाएं। काय का? सरसों के तेल का, चमेली के तेल का नहीं, नमक्खन का, अपितु शुद्ध सरसों के तेल का 4 मंगलवार चोला चढ़वाओ। बालाजी की कृपा से 2022 11 जुलाई तक तुम्हें 80% आराम लग जाए है, जो आशीर्वाद है। भाषा समझ आ गई? माइक से बोलो, बात पूरी समझ आ गई? जा कर जा तोरे घरे हो जा रो। भभूति उतन से ले ले कक्का। ये तन की माता जी हरे बड़ी विचित्र हैं, ब्राज नहीं रही, बताओ पुरुष कैसे बैठे? आप भी ब्राज जाओ तो बड़ो उत्सव, जो ब्लैक स्टॉल डाले हो आप आ जाए। हाँ 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 नहीं माता जी आप बैठ जाओ, वो आ रहे पीछे से खड़ी थी बच्ची। बहन जी साथ में कोई हो तो लेकर के आइएगा, साथ में अगर कोई है बहन जी तो लेकर के आइए, इशारा भर कर दो, आप तुरंत आओ स्पीड में। सीताराम बोलो भैया। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। टीकमगढ़ में एक दिन का पहले भी दरबार लग चुका है ना, एक दिन का ही लगा था कि दो दिन का? एक दिन का, तिवारी जी नहीं लगवाया था, बड़ा भक्त हुआ था वो भी। अरे भैया हम तो कई बालाजी सबकी अर्जी सुन लें, को निराश ना जाए। आओ बहन जी, बहन जी नजदीक आओ, माइक लो, अच्छे से बैठ जाओ बहन जी।
कहाँ से आई? बोलिए क्या बात, और कोई बात? कौन है ये? अच्छा भतीजा। मन शांत रहता है, परेशान है, जॉब चाहते हैं, घर पर कृपा होगी, भतीजे को धाम पर दर्शन करवा दे, स्वस्थ रहेगा, आशीर्वाद। बोले बालाजी सरकार की। जॉब की तेज करें तैयारी, धाम के दर्शन से। ये मंत्र है, तीन माला करनी है, लहसुन प्याज बंद रखनी है, कुल की देवी का हवन आप नवरात्रि में करवाइएगा। कुल की देवी का हवन बंद है, जो तीन साल में होता था वही हवन बंद है, कई दिनों से हुआ नहीं है, तो उस हवन को आप विधि को करवाइएगा देवी के नाम से, नवरात्रि में अष्टमी को करवाइएगा। ये दोष है, इसी दोष के कारण सबको पेट की व सीना की दिक्कत बन रही है। माइक नजदीक करो बहन जी, हाँ या ना का जवाब दे। हाँ? तो आपके घर पर सीना की और पेट की जो दिक्कत बनती है वो कुल की देवी की पूर्ण पूजा ना होने के कारण बनती है। आप अपने घर पर कुल की देवी का हवन करवाइए, 100% बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। और जॉब के लिए आपका प्राइवेट योग बन रहा, परंतु आप मनोकामना सरकारी की लेकर आई, सरकारी जॉब की मनोकामना लेकर आई है, प्राइवेट योग बन रहा। तैयारी तेज करो, वर्तमान में मन आपका अशांत हो गया है, जॉब से विचलित हो गया है, सूर्य भगवान को अर्घ देना प्रारंभ करो, तो निश्चित रूप से बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। बोले पूज्य गुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की। देखो भाई, जो पर्चे में कहा जाए उसे पढ़ा जाए, जो हम बोले उसे ध्यान से सुना जाए, अगर गलत बोल दें तो तत्क्षण आप टोक दें। इसके बाद